नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्स स्टडी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और ये हमारा यूट्यूब चैनल के लगभग 10 पार्ट बन चुके हैं और काफ़ी सब्सक्राइबर और लाइक हो गए हैं और हमारे व्यूवर की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो आप लोगों के सहयोग और गुरुजनों के आशीर्वाद और प्रभु श्री राम की कृपा से ये चैनल लगातार प्रगति की ओर जा रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पास्ट क्रांति इन्वेस्टर्स है। पास्ट क्रांति इन्वेस्ट मतलब होता है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल अपूर्ण क्यों? क्योंकि इसमें काम जारी रहता है, मतलब पास्ट में कोई काम जारी है। जैसे हम कहीं गए और हम उसको आके घर में बताएं कि जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ ये काम चल रहा था, ठीक है। तो इसकी जो पहचान होती है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो आपने अगर अच्छे से देखा होगा तो ये बड़े आराम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसकी पहचान क्या होती है? रहा था, रही थी, रहे थे। पहचान क्या हो गई? रहा था वाक्य के अंत में। इसमें क्या होगा? वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में क्या आएगा? अंत में रहा था, रही थी और रहे थे। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स इसमें हेल्पिंग वर्ब जो आती हैं वाज और वर होती हैं, वाज और वर। अब वाज किसके साथ लगता है और वर किसके साथ लगता है? तो आई के साथ आई, ही, सी, इट और एनी नेम के साथ। एनी नेम मतलब कोई नाम हो, जैसे राम, मोहन, श्याम, ऐसा कोई नाम हो तब वाज लगाते हैं, ठीक है। वर किसके साथ लगेगा? जैसे यू हो गया, वी हो गया, वे हो गया और कोई प्लूरल फॉर्म हो गया तो इसके साथ, यानी सेकंड पर्सन जो, उसके साथ वर लगाते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है अफर्मेटिव सेंटेंस का? अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब, वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। इसको वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी अपनी सुविधा के अनुसार बना लिया जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। अब इसका जो, जैसे पिछला वीडियो अगर आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अच्छे से देखा है तो उसमें इज एम आर का यूज होता था, इज एम आर। बाकी पूरा स्ट्रक्चर जो है जैसा उसमें था उसी तरह से इसमें है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो इसमें अब सवाल उठता है कि वाज और वर का, इज एम आर का यूज मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अब मैं वाज और वर का यूज प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अतिरिक्त और कहाँ कहाँ होता है थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे इसका यूज कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस में तो होता ही है। इसके बाद इसका और यूज होता है जब कहीं भी सब्जेक्ट में, वाक्य में था, थी, थे आए, था, थी, थे आए या, ठीक है, तो ये नाउन के साथ इसका यूज होता है। नाउन के साथ जैसे जैसे ही वॉज ए स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी था, ठीक है, ही वॉज ए स्टूडेंट। अगर इसी को लिखें देवर ए डॉक्टर, देवर ए डॉक्टर, ठीक है। अगर किसी नाउन के बारे में अगर बताना हो पास्ट में तो उसका, उसमें भी वाज और वर का यूज होता है, ठीक है। अब आते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, ठीक है। वाज किसके साथ लगता है? वीडियो को अच्छे से देखिएगा, एक दो बार देखेंगे आपको कभी नहीं भूलेगा ये वाज। वाज किसके साथ लगता है? आई, ही, सी, इट और एनी नेम के साथ, ठीक है। वर किसके साथ लगता है? यू, वी, दे और प्लूरल के साथ। प्लूरल के जितने सेंटेंस होंगे सबके साथ वर लगेगा, ठीक है।
अब इसके बाद इसका इसके कुछ सेंटेंस बनाते हैं। जैसे पहला नंबर, वह मेरी तरफ देख रहा था, तरफ देख रहा था। अब देखिए वह मीन्स क्या होता है। सबसे पहले वीडियो में जो मेरा वीडियो करीब काफी बड़ा बन गया था, उसमें ये सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में मैंने पूरा डिस्कस किया, ठीक है। तो वह मेरी तरफ, वह का क्या होगा, ही, ठीक है। और ही के बाद अब यहाँ पर देखिए वर्ब क्या लगा है, लुक, ठीक है ना, लुक। तो इसके साथ क्या लगा देंगे, लुकिंग एट मेरी तरफ ना, एट मी, ठीक है। ही, अब ही के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, रिवर लगेगा। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि इसी में कंफ्यूजन होगा, इसी में यहाँ पर गलती करते हैं कि आई, ही, सी, इट और एनी नेम के साथ अगर इसको आप कॉपी में नोट करते जाएंगे तो आपको ये बार बार देखने की, अपने कॉपी से देख सकते हैं कि ही वॉज लुकिंग एट मी, ही वॉज लुकिंग एट मी, ही वॉज लुकिंग एट मी। जैसे सबसे ज्यादा ये सेंटेंस आता है, वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी, ये एमपी बोर्ड में ये सेंटेंस। तो इट, अब इट लगा है तो इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग, ठीक है। जैसे अगर ये सेंटेंस आए, ठीक है, कुत्ते भौंक रहे थे, भौंक रहे थे। अब देखिए यहाँ पर पता चल रहा है कि कुत्ते भौंक रहे थे, कुत्ते क्या है, प्लूरल सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉग्स, डॉग्स वर वर्किंग, डॉग्स वर वर्किंग, ठीक है, हो गया। ही के साथ वॉज, इट के साथ वॉज और प्लूरल सेंटेंस के साथ वर। अब जैसे वे तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, वे तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, वे तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। अब अगर ये आ गया कि वे तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, तब ये क्या होगा, अब वे के साथ क्या लगाएंगे, अब दे, और दे के साथ क्या लगाते हैं, वर, दे वर प्रेजिंग यू, दे वर प्रेजिंग यू, क्या हो जाएगा इसका, दे वर प्रेजिंग यू, ठीक है। यहाँ पे यू नहीं आ पाया, तो दे वर प्रेजिंग यू, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। They were praising you, और इसके बाद negative sentence में ये tense आपका continuous के जितने भी tense हैं ये सबसे आसान है। तो आज मैं past continuous और future continuous दोनों को इस video में complete करा दूंगा आपका, ठीक है, क्योंकि इसके काफी video हो गए हैं और इसके बाद और video और टॉपिक से लेके बनाना है। अब इसमें आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब, क्या आएगा, वाज या वर्ब। इसको बनाने के लिए आप कई कई सारे सेंटेंस अपने से लीजिए, कोशिश कीजिए, वर्ब की बुक आपके पास है, वर्ब का टेबल आपके पास बना लीजिए, उसको आपको एबीसी इंग्लिश ग्रामर में या आपकी बुक में 10th क्लास के पीछे
वर्ब बुक में वर्ब के तीनों फॉर्म दिए हुए हैं उसको ले करके आप और इसके बाद इनको सेंटेंस को बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। इसके बाद अगर इंटरोगेटिव की बात करें, तो ये वाज और वर्ब पहले आ जाएगा। वाज और वर्ब कहाँ आ जाएगा? पहले। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा आपका। फिर क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या आएगा? आईएनजी। इसमें कोई चेंजेस नहीं होते, बस चेंज यहाँ पर होता है, ये जो सब्जेक्ट होता है ये सामने आ जाएगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट को उठा करके हम क्या रख देते हैं? सामने रख देते हैं, ठीक है। तो वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और इसमें एक नई चीज आती है, क्वेश्चन मार्क इसमें जरूर लगाते हैं। अगर क्वेश्चन मार्क भूल गए तो आपका नंबर कट हो जाए। तो अब इंटरोगेटिव में क्या होगा? इंटरोगेटिव में सबसे पहले वाज या वर्ब, फिर क्या आएगा आपका? सब्जेक्ट। फिर क्या आएगा? नॉट। फिर क्या आएगा? जैसा है जिस उसी को उतार दीजिए, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये तीनों, ये निगेटिव का हो गया। निगेटिव में क्या आ जाएगा? नहीं, ठीक है। इंटरोगेटिव में वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म, तो वाज और वर्ब पहले आ जाएगा। जैसे अगर आप कोई निगेटिव सेंटेंस लेते हैं, जैसे मोहन काम नहीं कर रहा था, मोहन काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोहन, मोहन कोई नाम, और जब कोई नाम हो तब हम क्या लगाते हैं? इसमें क्या लगाते हैं? वाज लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोहन वाज नॉट वर्किंग, ठीक है। अब इसके बाद अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जैसे क्या शुरू में क्या है, ठीक है। इंटरोगेटिव के जितने भी सेंटेंस, डब्ल्यूएच वाले सेंटेंस का मैं पूरा वीडियो अलग से बनाऊंगा, उसमें पूरे टेंस में जितने भी डब्ल्यूएच के वर्ड्स होते हैं उन सबके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे तो ना इसको सीख पाएंगे ना उसको सीख पाएंगे, ठीक है। जैसे क्या? मीरा स्कूल जा रही थी, ठीक है। अब क्या लगा है, इसलिए आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। अब मीरा, पहले आप इसको इसको कंफर्म किया करिए। तो मीरा क्या है? एक मीरा नाम से बहुत हो गए, अब मैं लिख देता हूं कि क्या तुम स्कूल जा रहे थे, अब तुम आ गया, यू। अब यू के साथ आप दिमाग लगाइए कि वाज लगता है कि वर लगता है, बताइए क्या लगता है? वर, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? वर, सबसे पहले उसको आप लिख दीजिए, यू गोइंग टू स्कूल, और ये आ गया वर यू गोइंग टू स्कूल। अब आ गया इंटरोगेटिव में, क्या भी रहेगा और नहीं भी रहेगा। जैसे क्या वे ठंड से नहीं कांप रहे थे, और क्या भी लगा है और नहीं भी लगा है। सबसे पहले इसका सेंटेंस सब्जेक्ट देखते हैं, दे। अब दे के साथ क्या आएगा? देखिए दे आया, अब दे के साथ यहाँ पे क्या आता है? वाज या वर्ब। तो यहाँ पे आएगा दे के साथ क्या आएगा? वर्ब दे, और फिर नॉट, क्योंकि नहीं लगा है, ठीक है। अगर नहीं लगा है तो नॉट यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेवरिंग कोल्ड, और वो
ऑप्शन मार, ठीक है। तो इस तरह से आप पहले पूरे अच्छे से कॉपी, पहले वीडियो देखने से पहले आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए और कॉपी और पेन रख के बैठिए, ठीक है। और उसको पूरे सेंटेंस के स्ट्रक्चर जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ, अब आपका काम क्या है, आपका काम है कि कुछ अपने दिमाग में सेंटेंस लाइए जिसमें ऐसे रहा था, रही थी, रहे, अब उसको अपने से बनाने की कोशिश करिए। यकीन मानिए अगर 10 सेंटेंस या 20 सेंटेंस आप बनाएं तो ये टेंस आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही सेंटेंस को अगर चारों फॉर्म में चेंज करना चाहें तो आप एक ही सेंटेंस को चारों फॉर्म में मैं चेंज करके बता देता हूँ आपको, ये आना जब बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे पहला नंबर, अब देखिए एक ही सेंटेंस को हमको चारों फॉर्म में बदलना है। जैसे हम स्कूल में अंग्रेजी पढ़ रहे थे, हम स्कूल में अंग्रेजी पढ़ रहे थे तो हम के साथ वी वर स्टडिंग, वी वर स्टडिंग इंग्लिश इन स्कूल, वी वर स्टडिंग इंग्लिश इन स्कूल। अब इसके साथ निगेटिव में स्कूल में अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी वर नॉट स्टडिंग इंग्लिश इन स्कूल, वी वर नॉट स्टडी इंग्लिश इन स्कूल। अब इसके बाद जैसे क्या आ गया, तो वी और इसके साथ क्या लगता है, वर, वी वर वी स्टडिंग इंग्लिश इन स्कूल और क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद क्या हम स्कूल में अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे, तो वर बी नॉट स्टडिंग इंग्लिश इन स्कूल। ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो ये आपका आज का जो वीडियो था पास्ट कंटीन्यूअस का था, और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो फिर आप बोर हो जाते हैं, इसलिए अगले वीडियो में हम चलेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस के बारे में देखेंगे। और आप बस हमारे चैनल को देखते रहिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जिससे उनको भी बेनिफिट मिले और मेरा प्रयास सफल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक